औरंगाबाद पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के धंधे में शामिल 6 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। साथ ही इस धंधे में शामिल एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मुक्त कराए गए सभी लड़के अलग अलग जिलों के हैं, जिन्हें चूड़ी फैक्ट्री में काम कराने दिल्ली ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि संदेह की सूचना मिलने पर पुलिस ने स्टेशन जाकर इन लोगों से पूछताछ की, जिसमें पूछताछ करने पर मामला बाल मजदूरी का निकला। ये मामला हम लोगों को यही प्रकाश में आया कि हस्बैंड वाइफ हैं 2, मोहम्मद याकूब और उनकी पत्नी समीना खातून। ये पता चला कि इनके 2 लड़के हैं, शाहनवाज और सरफराज, जो दिल्ली में रह करके वहाँ जहांगीरपुरी में चूड़ी की फैक्ट्री वगैरह है वहाँ चलाते हैं, और एक मुदस्सर हैं और एक कौसर भी हैं। तो मुदस्सर और कौसर नाम के भी लोग हैं, जो उनका भी चूड़ी फैक्ट्री वहाँ है, और ये लोग बच्चों को लेकर के यहाँ से छोटे छोटे बच्चों को, जो कि सभी नाबालिग बच्चे हैं, और उसको फैक्ट्री में काम कराने के लिए, बाल मजदूरी कराने के लिए लोगों को ले जा रहे थे। और लोगों के माता पिता को जैसा पता चला कि 4,000 रुपये पे उन लोगों ने तय किया था, और 2,000 रुपया इनके माता पिता को एडवांस भी दिया है। इन सभी को लेकर जा रहे थे, तो सूचना मिलने पर रफीगंज के थाना प्रभारी राजीव रंजन के द्वारा इन सभी बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, और इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को यहाँ पे लाया गया है अभी हम लोग इसमें। हालांकि उस समय बच्चा चोर की अफवाह फैलने से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए SDPO अनूप कुमार ने लोगों को सच्चाई बताई, तब भीड़ को शांत कराया। पंजाब केसरी टीवी के लिए औरंगाबाद से प्रियदर्शी की रिपोर्ट।